योजना का विरोध किया है। कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, योजना को वापस लेने की मांग की है। देश भर में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया है और इसी सिलसिले में प्रदेश भर में भी प्रदर्शन दिखा। कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध दिखा। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, कोटद्वार और रामनगर में भी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की गई है। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, कोटद्वार, रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद रहे। कुछ विधायक भी, बड़े नाम भी इन प्रदर्शनों में शामिल हुए और इन पांच शहरों में प्रदर्शन किया गया और भी कई जगहों पर प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई है। और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह आंदोलन कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अग्निपथ का विरोध किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है राजधानी देहरादून की, जहां कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जागरूक करने का दावा किया युवाओं को, केंद्र सरकार पर हमला बोला। दूसरी तस्वीर है रुड़की की, जहां कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना से न सिर्फ युवाओं के साथ बल्कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर योजना को ही निरस्त कर दिया जाएगा। हमारी जो उत्तराखंड की इकोनॉमी है गांव की, उसका बहुत बड़ा हिस्सा 50% के आसपास का हिस्सा फौज की तनख्वाहों से और फौज की पेंशन से चलता है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ खेती बहुत अच्छी नहीं होती, तो ये उत्तराखंड के लिए तो और भी खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। इसलिए हम सत्याग्रह के रास्ते पर इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो योजना लाई गई है, हमारे युवाओं के साथ धोखा किया गया है, ये तत्काल इसे इस पर रोक लगाई जाए। और जो हमारे युवाओं ने जिन्होंने पहले पेपर दे रखे हैं, जिन्हें नौकरी पर रखा जाना था, आज उन्हें अपने घर बिठा दिया गया, तो ये हमारे युवाओं के साथ छलावा है। और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन दिखा। कोटद्वार में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की योजना के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार से योजना वापस लेने की मांग की। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। यहां की बहुत सीमित संख्या में कार्यकर्ता दिख रहे हैं तस्वीरों में। 10-5 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकारी रोजगार के बजाय सरकार जिस प्रकार सेना का राजनीतिकरण करी है, निजीकरण कर रही है, उससे देश को नहीं बल्कि देश की आंतरिक व्यवस्था को बड़ा चोट पहुंचने की आशंका है। इसलिए हम युवाओं की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं कि अग्निपथ योजना में संशोधन कर इन्हें कम से कम 10 साल की नौकरी दी जाए।